हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वांटेड। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सप्लाई चैनल पर देख सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक, जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया, जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मावन किरदारों में नजर आए। फिल्म में प्रभु देवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर जयराम ने सिनेमाग्राफी को संभाल, जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे, जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है, जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और देगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जिद घूमता है, जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस, खास तौर पर खान राज और मनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई, लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये 2009 की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा, और राइटर जो है उन शहनाज अहमद हैं, एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है, बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी, जिगनाथ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर, स्टेरिंग मेन किरदार अदा कर रही हैं सलमान खान, लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज, आयशा टाकिया, महेश वंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमाग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतु सीरम, एडिट बाय डीलो ड्यू, म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद, बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान, प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स, रिलीज डेट 18 सितंबर 2009, रवानगी इसकी रनिंग टाइम जो है वो 147 मिनट का है, कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार का स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रजवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड प्रकाश राज एज अ शमदुइन असगर गनी, एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी की माँ के रोल में आपको नजर आएंगे, सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे, विनोद खन्ना एज अ शरकानाथ, महेश मजरेकर एज अ SL डॉल्ट, महक चौहान एज अ शाना,
गोविंदा नामीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसका असीम को जो है वो गोल्डन भाई है नहारी भी होश एज जज्जाक गोल्डन भाई चीमन मनोज वलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर अगर डाले तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमूम सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताब जो मुंबई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करे। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरायम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। राज एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवारियों ने अगवा कर लिया है। रांधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे में राधे एक एवरेज टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेवकूफ के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है। यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के पे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाए। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना। इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपड़े को पूछी तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अजियत और जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्दी गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गन्नी भाई के तरीका से मुताबिक नहीं है क्योंकि इसमें खुवातीन बच्चों से बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को राधे गनी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह कर रहा है।
इनके दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है। गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग में जवान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनके दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बनाई जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दोगुनी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि इसके वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे एक अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला के वो राजीव है। ताहम जबकि ऐसी हकीकत एक आखिरी तसादम में आते हैं टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड। 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान प्रकाश राज आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मावन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाल जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और देगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जरिए घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खासतौर पर खान राज और मनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है उन शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग मेन किरदार कर रही हैं सलमान खान लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश वंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतु सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स रिलीज डेट 18 सितंबर 2009 इसकी रनिंग टाइम जो है वो 47 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमधुइन
असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी जैवी की माँ के रोल में आपको नजर आएंगे सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे विनाद खन्ना एज अ शरकानाथ महेश मजरेकर एज अ एस एल डॉल्ट महक चौहान एज अ शाना गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसके असीम को जो है ना वो गोल्डन भाई है नहारी होश एज अ जज्जाक गोल्डन भाई चीमन मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताज जो मुंबई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरायम के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। राज एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवारियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे ना राधे एक एवरिक टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है, लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाया और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के पे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाए। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त बाद में तलपड़े ने जानवी को हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डिब्बों का बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना, इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपड़े को पूछी तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अजियत और जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ा कर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गन्नी भाई के तरीका से मुतल्लिक नहीं
वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राधे से भी मिलता है। राधे गनी भाई के तरीक़ेकार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को राधे गनी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह करना है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बनाया जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गन्नी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया केस के वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे एक अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब वो इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला के वो राजीव है, ताहम जबकि ऐस हकीकत हमें सर एक आखिरी तसादम में आधे या टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मगन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर जयराम ने सेनोग्राफी को संभाला जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और देगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जिद घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तजो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास तौर पर खान राज और मनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये 2009 की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिकॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है वो शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाद प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग में इनकी दादा कर रही हैं सलमान खान साथ दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश मंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतु सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स रिलीज डेट 18
सितंबर 2009। रवानगी इसकी रनिंग टाइम जो है वो 147 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको ITS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमदुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी की माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे। विनोद खन्ना एज अ शर्कानाथ, महेश मजरेकर एज अ एस एल डॉल्ट, महक चौहान एज अ शाना, गोविंदा नामीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसके असीम को जो है वो गोल्डन भाई है। नहारी भी होश एज जज़ाक, गोल्डन भाई चीमन, मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताज जो बम्बई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान ITS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरम के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। राज एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवालों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैरिस ने राधे एक एवरिक टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है, लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के बे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफ़ी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिससे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में दलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना, इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए।
जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इस कायल होता है और तलपे को पुशीदा पर पीटा जाता है। काफ़ी अच्छे तो जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गनी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ा कर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गनी भाई के तरीका से मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को राधे गनी भाई के तरीका कार से मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह करना है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैच वीडियो बना जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गन्नी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि उसके वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब वो इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला कि वो राजीव है, ताहम जबकि ऐस हकीकत हमेशा एक आखिरी तसादम में आधे ने टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मामन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाला जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और बेगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जिद घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास तौर पर खान राज और मैनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई, लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्म में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिकॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है वह शहनाज अहमद है एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग मेन किरदार कर रही हैं सलमान खान लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश मंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना
सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतू सीरम, एडिट बाय डिलो ड्यू, म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद, बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान, प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स, रिलीज डेट 18 सितंबर 2009, रवानगी रनिंग टाइम जो है वो 147 मिनट का है, कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमधुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी जैवी की माँ के रोल में आपको नजर आएंगे, सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे, विनाद खन्ना एज अ शरकानाथ, महेश मजरेकर एज अ SL डॉल्ट, महक चौहान एज अ शाना, गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर कम्युनिजर, अशरफ तारिक खान असीम एंड इसके असीम को जो है वो गोल्डन भाई है, नहारी भी होश एज जज्जाक, गोल्डन भाई चीमन, मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमूम सरगर्मियों से भरा हुआ है, दो हरीफ गरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताब जो बम्बई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है, वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें और वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जर्म के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। राधे एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवारियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई के बारे में गोल्डन भाई गिन्नी भाई के भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल राधे एक एवरिक टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के बे रोल पर है, वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है, वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिन
को राधे ने खत्म कर दिया। जाह्नवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में दर्पणे ने जाह्नवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना। इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जाह्नवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इस कायल होता है और तलपड़े को खुशी पर पीटा जाता है। काफ़ी अच्छे तो जहनी परेशानी के बाद जाह्नवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्दी गनी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गनी भाई के तरीका से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इंतकामी कार्रवाई करते हुए इशरफ की बेटी को राधे गनी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह कर रहा है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है। गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग निगरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग निगरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बना जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गनी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गनी भाई को रिहा करने मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि उसके वालद ने खुफिया असर को गनी भाई के गैंग में अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब इनके गैंग का हिस्सा है। गनी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला कि वो राजीव है। ताहम जबकि एस हकीकत सर एक आखिरी तसादम में राधे ने टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान प्रकाश राज आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मामन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाल जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंडट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और देगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जरिए घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आम तौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास तौर पर खान राज और मनेचरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्म में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है वो शहनाज अहमद हैं।
एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है, बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी, जिगनाथ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर, स्टेरिंग मेन किरदार कर रही हैं सलमान खान, लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज, आयशा टाकिया, महेश वंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो है जी सिरिफ शाह एंड सीतू सीरम, एडिट बाय डीलो ड्यू, म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद, बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान, प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स, रिलीज डेट 18 सितंबर 2009, रनिंग टाइम जो है वो 147 मिनट का है, कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमदुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी कीमा के रोल में आपको नजर आएंगे, सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे, विनोद खन्ना एज अ शरकानाथ, महेश मजरेकर एज अ SL डॉल्ट, महक चौहान एज अ शाना, गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर, अशरफ तारिक खान असीम एंड इसका असीम को जो है वो गोल्डन भाई है, नहारी भी होश एज जजाक, गोल्डन भाई चीमन, मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डाले तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है, दो हरीफ गरोह है, एक गन्नी भाई के महताब जो मुंबई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है, वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जर्म के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। राजे एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवारियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है, तहम गोल्डन भाई गिन्नी भाई के भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैसे राधे एक एवरेज टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है, लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के बे रोल पर है, वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है, यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्मगलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहम पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं।
हमें पुलिस वालों को काफी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है, जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया, जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में दलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त बाद में तलपड़े ने जानवी को हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डिब्बों का बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिब घबरा ना। इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपड़े को पुशीदा तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अजियत और जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गनी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ा कर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गनी भाई के तरीका से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन बच्चों से बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग बंगाल इंतकामी कार्रवाई करते हुए इशरफ की बेटी को हुआ। राधे गनी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह कर रहा है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग मेंबरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर दिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग मेंबरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैं शिवी के बना, जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गुनी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि इसके वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला कि वो राजीव है, ताहम जबकि इस हकीकत एक आखिरी तसादम में राधे ने टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रीमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मावन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। नीरुषा और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाल जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और देगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जरिए घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास पर खान राज और मनेचरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई, लेकिन ट्रांजेक्शन और
कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्म में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और 1 फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल अवार्ड की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है वह शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है। बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाई पूरी जिगनाथ। प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाई बोने कपूर। स्टेरिंग मेन किरदार कर रही हैं सलमान खान, लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज, आयशा टाकिया, महेश वंजर, जुक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमाग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतू सीरम। एडिट बाई डीलो ड्यू। म्यूजिक बाई सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद। बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान। प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट बाई सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स। रिलीज डेट 18 सितंबर 2009। रवानगी टाइम जो है वो 47 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है। लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार का स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमदुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी कीमा के रोल में आपको नजर आएंगे। सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे। विनाद खन्ना एज अ शरकानाथ। महेश मजरेकर एज अ SL डॉल्ट। महक चौहान एज अ शाना। गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान। असीम एंड इसका असीम को जो है वो गोल्डन भाई है। नहारी भी होश एज जजाक। गोल्डन भाई चीमन। मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डाले तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताब जो मुंबई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जमींदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें और वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। राजे एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवालियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई के भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल राधे एक एवरेज टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत
तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के बे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहम पुलिस इस जगह पहुंची जहाँ राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफ़ी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहाँ से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है, जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया, जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिससे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना, इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए। जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इस कायल होता है और तलपड़े को पुशीदा तौर पर पीटता जाता है। काफ़ी अच्छे तो जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गन्नी भाई के तरीका से मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें खवातीन बच्चों से बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए इशरफ की बेटी को हुआ। राधे गन्नी भाई के तरीका कार से मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग मेंबरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग मेंबरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बनाई, जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गन्नी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि इसके वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला कि वो राजीव है। ताहम जबकि एस हकीकत हमेशा एक आखिरी तसादम में राधे ने टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मावन किरदारों में नजर आए। फिल्म में प्रभु दियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर जयराम ने सिनेमाग्राफी को संभाल जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और बेगर
बैरूनी ममालिक में की गई है। बम्बई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जिद घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास तौर पर खान राज और मैनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है उन्हें शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग मेन किरदार अदा कर रही हैं सलमान खान लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश वंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतू सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी बीएसके एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स रिलीज डेट 18 सितंबर 2009 रनिंग टाइम जो है वो 47 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमधुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी कीमा के रोल में आपको नजर आएंगे सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे विनाद खन्ना एज अ शरकानाथ महेश मजरेकर एज अ एस एल डॉल्ट महक चौहान एज अ शाना गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसके असीम को जो है वो गोल्डन भाई है नहारी भी होश एज जज़ाक गोल्डन भाई चीमन मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमूम सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं एक गन्नी भाई के महताब जो मुंबई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरायम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। राज एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवालों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
वैष्णव राधे एक एवरेज टीचर जाह्नवी से प्यार हो जाता है। जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है, लेकिन वो इसे गलत समझती है। जाह्नवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेवकूफ के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाया और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है। यहाँ राधे और जाह्नवी रहती हैं और गन्नी भाई के बे रोल पर है। वो जाह्नवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहम पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफ़ी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जाह्नवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है, जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जाह्नवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया, जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जाह्नवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जाह्नवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना। इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जाह्नवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपड़े को पुशीदा तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अजियत और जहनी परेशानी के बाद जाह्नवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ा कर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गन्नी भाई के तरीका से मुतालिक नहीं। राधे गन्नी भाई के तरीके कार से मुतफिक नहीं है, क्योंकि इसमें खुवातीन बच्चों से बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए इशरफ की बेटी को हुआ। राधे गन्नी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है, क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बनाई, जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दोगुनी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि इसके वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला कि वो राजीव है, ताहम जबकि ऐस हकीकत एक आखिरी तसादम में आधे या टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक, जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया, जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर
और अंदर कुमार मामिन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर यराम ने सिनेमाग्राफी को संभाल जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और दीगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जरिए घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तजो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास तौर पर खान राज और मैनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है उन शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग मेन किरदार अदा कर रही हैं सलमान खान लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश वंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमाग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतू सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स रिलीज डेट 18 सितंबर 2009 रनिंग टाइम जो है वो 47 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमदुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी की माँ के रोल में आपको नजर आएंगे। सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे। विनाद खन्ना एज अ शरकानाथ महेश मजरेकर एज अ SL डॉल्ट महक चौहान एज अ शाना गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसके असीम को जो है वो गोल्डन भाई है नहारी भी होश एज जजाक गोल्डन भाई चीमन मनोज वर्मा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं एक गन्नी भाई के महताब जो मुंबई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर को शहर में जरम के
क्रेटो ने शुरू कर दिया। राज्य एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवारियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बेरस में राधे एक एवरिक टीचर जानवी से प्यार हो जाता है। जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है, लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाया और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है। यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के पे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाए। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त बाद में तलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डिब्बों का बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना। इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपड़े को पुशीदे तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अजियत और जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गन्नी भाई के तरीका से मुताबिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन बच्चों से बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए इशरफ की बेटी को हुआ। राधे गन्नी भाई के तरीका कार से मुताबिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशावर चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बनाई जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गन्नी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया केस के वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे अल्फाज में याद करें। राजू पर शनाख्त के अब वो इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला के वो राजीव है। तहम जबकि ऐस हकीकत
एक आखिरी तसादम में आते हैं टूटे हुए शीशे की खिड़की से, इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मावन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाला जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और देगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जेब घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी स्वामीन की परफॉर्मेंस, खास तौर पर खान राज और मैनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये 2009 की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और 1 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है वो शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाद प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग में इनकी दादा कर रही हैं सलमान खान के साथ दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश मंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतु सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स रिलीज डेट 18 सितंबर 2009 रवानगी रनिंग टाइम जो है वो 147 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म के स्टार का स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको ITS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमदुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी कीमा के रोल में आपको नजर आएंगे। सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे। विनोद खन्ना एज अ शरकानाथ महेश मजरेकर एज अ SL डॉल्ट महक चौहान एज अ शाना गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसके असीम को जो है वो गोल्डन भाई है नहारी भी होश एज जज्जाक गोल्डन भाई चीमन मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर
लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताज जो बम्बई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ता खोई या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरम के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। राज एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवालों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई के भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैरिस ने राधे एक एवरिक टीचर जानवी शिकार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है, लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के पे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफ़ी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में दलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना, इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपड़े को पुशीदा तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अच्छे तो जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गन्नी भाई के तरीका से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन बच्चों से बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को हुआ। राधे गन्नी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग में इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग में इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना, इसे नशावर चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बनाया जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली
आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दोगुनी भाई को रिहा करने मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि उसके वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे एक ला अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला कि वो राजीव है, ताहम जबकि ऐस हकीकत हमें सर एक आखिरी तसादम में आते हैं टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मामिन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। नीरू शाह और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाला जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और बेगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जिद घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और सामीन की परफॉर्मेंस खास तौर पर खान राज और मैनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्म में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिकॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है वह शहनाज अहमद है एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग मेन किरदार कर रही हैं सलमान खान लेकिन साथ दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश मंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमाग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतू सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स रिलीज डेट 18 सितंबर 2009 रवानगी रनिंग टाइम जो है वो 147 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रजवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमधुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी कीमा के रोल में आपको नजर आएंगे सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे विनोद खन्ना एज अ शरकानाथ महेश मजरेकर एज अ एस एल
डॉल्ट महक चुहाल एज अ शाना गोविंदा नबीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर कम्युनिजर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसके असीम को जो है वो गोल्डन भाई है नहारी भी होश एज जज्जाक गोल्डन भाई चीमन मनोज वर्मा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर आने तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताब जो बम्बई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जिम्मेदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरायम के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। राजे एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवालियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल राधे एक एवरिक टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के बे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तैद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्माइलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना, इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जानवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इस कायल होता है और तलपड़े को पुशीदा तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अजियत और जहनी परेशानी के बाद जानवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गन्नी भाई के तरीका से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को
राधे की निभाई के तरीका कार से मुताबिक नहीं है क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह कर रहा है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग मेंबरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग मेंबरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बना जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दोगुनी भाई को रिहा करने मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया केस के हवाले ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे एक अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के। अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला के वो राजीव है, ताहम जबकि एस हकीकत सर एक आखिरी तसादम में आधे ने टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड। 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मामन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाल जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और बेगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जरिए घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आम तौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास तौर पर खान राज और मनेचरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्मों में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है वो शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है। बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाई पूरी जिगनाथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाई बोने कपूर स्टेरिंग में इनकी अदा कर रही हैं सलमान खान लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश मंजर जक्कर एंड विनोद खन्ना। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतू सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी BSK एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स रिलीज डेट 18 सितंबर 2009 रवानगी रनिंग टाइम जो है वो 147 मिनट का है। कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 93 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको IPS रणवीर
राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड प्रकाश राज एज अ शमदुद्दीन असगर गनी, एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी जैवी की माँ के रोल में आपको नजर आएंगे, सरफराज खान एज अ असलम खान के रोल में आपको नजर आएंगे, एंड अंदर कुमार एज अ अज्जे के रोल में आपको नजर आएंगे, विनोद खन्ना एज अ शर्कानाथ, महेश मजरेकर एज अ एस एल डॉल्ट, महक चौहान एज अ शाना, गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान, असीम एंड इसका असीम को जो है ना वो गोल्डन भाई है, नहारी भी होश एज अ जज्जाक, गोल्डन भाई चीमन, मनोज पलमा एज अ सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि बम्बई शहर लैंड माफिया की मजमूम सरगर्मियों से भरा हुआ है। दो हरीफ गिरोह हैं, एक गन्नी भाई के महताब जो बम्बई में रहता है, और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जमींदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफुज की रकम या जायदाद फ्राहम करे। अशरफ खान IPS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 चम्मच और शहर में जरायम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। राजे एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवारियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई के बारे में गोल्डन भाई गिन्नी भाई के भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी की गैंग के वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल राधे एक एवरेज टीचर जाह्नवी से प्यार हो जाता है। जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है, लेकिन वो इसे गलत समझती है। जाह्नवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेवकू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम होने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जाह्नवी रहती हैं और गन्नी भाई के पे रोल पर है। वो जाह्नवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है। यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्मगलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहाँ राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। हमें पुलिस वालों को काफ़ी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाएं। वो जाह्नवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है। वो जहां से मुतासिर है के दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जाह्नवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जाह्नवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिसे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जाह्नवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त बाद में तलपड़े ने जाह्नवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डिब्बों का बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद घबरा ना, इसे अपनी बहुत के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए, जिसके नतीजे में जाह्नवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपड़े को पिछले तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अजियत और जहनी परेशानी के बाद जाह्नवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्द ही गन्नी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल धमाके
से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। हार्दिक गांधी भाई के तरीका से वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी से भी मिलता है। हार्दिक गांधी भाई के तरीकेकार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खवातीन बच्चों समेत बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए इशरफ की बेटी को राधे गनी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह करना है। इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है, गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर दिया। इससे रिश्ता और इनकी दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छपा मारती है और गन्नी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग ने इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बनाया जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गन्नी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया केस के वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे एक अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला के वो राजीव है, ताहम जबकि ऐस हकीकत हमेशा एक आखिरी तसादम में आते हैं। टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा वांटेड 2009 की हिंदुस्तानी हिंदी जबर की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी हिदायतकारी प्रभु देवा ने की है। 2006 की तेलुगु फिल्म ओकिरी का रिमेक जिसमें महेश बाबू ने अदाकारी की। इस फिल्म में सलमान खान, प्रकाश राज, आयशा टाकिया जबकि विनोद खन्ना, महेश मंजरेकर और अंदर कुमार मावन किरदारों में नजर आए। फिल्म में पर भूदियोवा, गोविंदा और अनिल कपूर ने खसूसी किरदार अदा किया। निरुषा और सेतु सर यराम ने सेनोग्राफी को संभाल जबकि दिलीप दियो ने फिल्म की एडिटिंग की। साउंड ट्रैक साजिद वाजिद ने तरतीब दिए थे जबकि सलीम सलमान ने बैकग्राउंड म्यूजिक को संभाला। फिल्म के पूरे हिस्से की शूटिंग मुंबई में की गई है जबकि गानों की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया और देगर बैरूनी ममालिक में की गई है। मुंबई में सेट प्लांट एक मकामी गुंडे के जरिए घूमता है जिसकी कत्ल जबलत इसे न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की नाराजगी और एक करप्ट पुलिस की दुश्मनी बल्कि एक मतलूब डॉन की तवज्जो भी हासिल करती है। फिल्म को 18 सितंबर 2009 को थिएटर में रिलीज किया गया था जिसमें आमतौर पर नाकदी और स्वामीन की परफॉर्मेंस खास पर खान राज और मैनेजरेकर मौसीकी मिजा और इज्तमाही लम्हात की तारीफ की गई लेकिन ट्रांजेक्शन और कल्चर्स के इस्तेमाल पर तनकीद की गई थी। फिल्म ने तकरीबन कमाई करते हुए एक तजारती कामयाबी हासिल की और एक इस तरह ये दो दिनों की सबसे बड़ी 93 करोड़ कामयाब फिल्म में से एक बनकर उभरी। फिल्म को 3 अवार्ड्स नामजदगी और एक फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल रिवॉर्ड की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है प्रभु देवा और राइटर जो है उन शहनाज अहमद हैं एंड स्टोरी बाय पूरी की तरफ से है बेस्ड ऑन पिकरी 2006 बाय पूरी जिगनाथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय बोने कपूर स्टेरिंग में इनकी अदा कर रही हैं सलमान खान लिखा दे रहे हैं प्रकाश राज आयशा टाकिया महेश वंजर जुकर एंड विनोद खन्ना। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो है जी शरीफ शाह एंड सीतु सीरम एडिट बाय डीलो ड्यू म्यूजिक बाय सॉन्ग्स वाजिद साजिद वाजिद बैकग्राउंड स्कोर सलीम सुलेमान प्रोडक्शन कंपनी बीएसके एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूट बाय
सहरा वन मोटिशन पिक्चर्स, रिलीज डेट 18 सितंबर 2009, रवानगी इसकी, रनिंग टाइम जो है वो 47 मिनट का है, कंट्री इसकी भारत है, लैंग्वेज इसकी हिंदू है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 52 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 94 करोड़ का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान जो है ना वो आपको ITS रणवीर राधे सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे एंड प्रकाश राज एज अ शमदुइन असगर गनी एंड इसके साथ आयशा टाकिया एज अ जैवी की माँ के रोल में आपको नजर आएंगे, सरफराज खान एज अ असलम खान रोल में आपको नजर आएंगे एंड अंदर कुमार एज अ अजय के रोल में आपको नजर आएंगे, विनाथ खन्ना एज अ शरकानाथ, महेश मजरेकर एज अ एस एल डॉल्ट, महक चौहान एज अ शाना, गोविंदा नमीडियो एज अ पुलिस कम्युनिसर अशरफ तारिक खान असीम एंड इसका असीम को जो है वो गोल्डन भाई है, नहारी भी होश एज जजाक, गोल्डन भाई चीमन, मनोज पलमा एज सोनू गेट्स के रोल में आपको नजर आएंगे। वैसे अगर इस फिल्म की स्टोरी नंबर नगर डाले तो हमें ये देखने को मिलता है कि मुंबई शहर लैंड माफिया की मजमून सरगर्मियों से भरा हुआ है, दो हरीफ गरोह है, एक गन्नी भाई के महताब जो बम्बई में रहता है और दूसरा दत्ता पावले नामी एक मकामी गुंडा चलाता है। वो बिल्डरों और जमींदारों को धमकी देते हैं कि इन्हें छोड़ दें, वो इन्हें ताकत बत्ताखोरी या कत्ल के जरिए तहफ़ की रकम या जायदाद फ्राहम करें। अशरफ खान ITS ने बम्बई के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर 4 सितंबर और शहर में जरम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। राजे एक डग है जिसे जंगेज और इसके हवारियों ने अगवा कर लिया है। राधे ने पावले से जंगेज को मारने का ठेका लिया है जो वो करती है। तहां गोल्डन भाई गिन्नी भाई के भाई ने राधे को अपने गैंग में शामिल होने की दावा दे दी। राधे ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो किसी गैंग के लिए काम नहीं करती लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वैरस में राधे एक एवरेज टीचर जानवी से प्यार हो जाता है जब वो इसे अपने दोस्त अजय की एक्रोबैक्स क्लास में जाता है लेकिन वो इसे गलत समझती है। जानवी अपनी बेवा माँ लक्ष्मी और छोटे बेपू के साथ रहती है। सोनू गेट्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रुति के घर के ऊपर रहता है और अक्सर मजाए और नाकाम रहने के बावजूद इससे इस शादी करने पर राजी करने की कोशिश करता है। दौलत तलपड़े इस कॉलोनी में एक करप्ट सीनियर ऑफिसर है, यहाँ राधे और जानवी रहती हैं और गन्नी भाई के पे रोल पर है। वो जानवी को होश करता और इससे अपनी मालकन बनाने का फैसला करता है, यहाँ तक इसका मुतअद्दिद बार मुस्तरद करने के बाद गन्नी भाई के गैंग के साथ राधे की पहली स्मगलिंग पावले के गैंग के एक मेंबर को मारना है। तहां पुलिस इस जगह पहुंची जहां राधे और देगर बदमाश इंतजार कर रहे हैं। राधे पुलिस वालों को काफी देर तक मशगूल रखती है ताकि दूसरे काम खत्म करके भाग जाए। वो जानवी को तलपड़े से फरार होने में भी मदद करता है वो जहां से मुतासिर है। दरमियान जल्द ही एक दोस्ती पुल जाती है जिससे एक दूसरे के लिए बेसाख्ता रोमानवी जज्बात पैदा होते हैं। जब जानवी राधे से अपनी जज्बात का इजहार करने की कोशिश करती है तो पावले के गुरु केरकान ने इन पर हमला किया जिनको राधे ने ख़त्म कर दिया। जानवी ये जानकर हैरान रह गई कि राधे एक गैंगस्टर है जिससे लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं है। बाद में तलपड़े ने जानवी पर हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डाकू एम्बुलेंस बंदोबस्त बाद में तलपड़े ने जानवी को हमला करने का ड्रामा करने के लिए कुछ डिब्बों का बंदोबस्त किया ताकि कोई भी मजाहिद
घबराना, इसे अपनी बहू के इलाव के तौर पर नहीं रहना चाहिए। जिसके नतीजे में जाह्नवी और लक्ष्मी इसके मुतालबात मान लेंगे। राधे को इसका इल्म होता है और तलपरे को पुशीदा तौर पर पीटा जाता है। काफ़ी अच्छे तो जहनी परेशानी के बाद जाह्नवी राधे की मोहब्बत को कबूल करती है। जल्दी गनी भाई दुबई से आते हैं और पावले को मार डालते हैं। वो एक स्कूल को धमाके से उड़ाकर एक वजीर के कत्ल पर बात करने के लिए राजी भी मिलता है। राधे गनी भाई के तरीका से मुतफिक नहीं है, क्योंकि इसमें खवातीन और बच्चों से बेगुनाह का कत्ल किया गया है। उनकी दलील के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग इमरान इंतकामी कार्रवाई करते हुए इशरफ की बेटी को हुआ। राधे गनी भाई के तरीका कार से मुतफिक नहीं है, क्योंकि इसमें खातिन और बच्चों समेत बेगुनाह का दम है। यानी कि दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है, गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इस गैंग ने इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लिया। इससे रिश्ता और यानी कि दिल्ली के दरमियान पुलिस क्लब पर छापा मारती है और गनी भाई को गिरफ्तार कर लेती है। इसके गैंग ने इमरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अशरफ की बेटी को अगवा कर लेना। इसे नशा और चीज पिलाई और इसके एक मैश वीडियो बना, जिसे वो मीडिया को धमकी देते हुए कि अगली आखिर गन्नी भाई को रहा किया गया तो मीडिया को जारी कर दें। इसमें दो गुनी भाई को रिहा करने को मोहित किया गया था। तब अपने नशे की हालत में अशरफ बेटी के इंकशाफ किया कि उसके वालद ने खुफिया असर को गन्नी भाई के गैंग में अच्छे एक ला अच्छे अल्फाज में याद करें राजू पर शनाख्त के। अब इनके गैंग का हिस्सा है। गन्नी भाई ने अजय को मानते हुए मार डाला कि वो राजीव है। ताहम जबकि ऐस हकीकत एक आखिरी तसादम में राधे ने टूटे हुए शीशे की खिड़की से इसका गला घोट कर गन्नी भाई का बेटा